तो हे गाइस वेलकम बैक। तो यार मैं ये क्या सुन रहा हूँ, पोकेमोन स्कारलेट एंड वॉयलेट के अंदर एस वर्सेस नेमोना का बैटल होने वाला है, जिसे सुनकर मैं खुद ही हैरान हूँ। और पोकेमोन जर्नीज, या कहूँ कि पोकेमोन एम टू ई पोकेमोन मास्टर सीरीज के अंदर 11 एपिसोड खत्म हो जाएंगे, और जब अप्रैल मंथ में पोकेमोन स्कारलेट एंड वॉयलेट स्टार्ट होगा तो एस हमें एडल्ट देखने को मिलेगा। ये फिलहाल अभी तक ऐसी कॉन्फर्मेशन निकल कर आ रही है। और इसके अलावा इसके फर्स्ट एपिसोड के अंदर यानी कि पोकेमोन स्कारलेट एंड वॉयलेट के अंदर हमें एस वर्सेस नेमोना के बैटल देखने को मिलने वाली है। ऐसा भी लीक्स आ रहे हैं कि 11th एपिसोड के बाद एस जो है पोकेमोन मास्टर बन जाएगा और इसके बाद वो पोकेमोन पार्टी रीजन में घूमने जाएगा। लेकिन इस बार जो एस है उसकी एज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो एडल्ट दिखेगा। और पार्टी रीजन के अंदर जो है नेमोना उससे बैटल करने के लिए चैलेंज करेगी एस को। इसके बाद एस नेमोना से बैटल करेगा और वो अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमोन का भी यूज करेगा और नेमोना का बहुत बुरी तरह से हराएगा। और इसके अलावा ये भी रूमर्स और लीक्स आ रहे हैं कि जो नेमोना है वो लेजेंडरी पोकेमोन स्कारलेट एंड वॉयलेट के यूज करने वाली है। और ये भी लीक्स आ रहे हैं कि एस कैचम स्कारलेट एंड वॉयलेट एनिमे के अंदर नेमोना के साथ फर्स्ट 10 एपिसोड के अंदर ही बैटल करेगा, और मे बी 2-3 एपिसोड के बाद ही ये बैटल हो सकता है। और ये बैटल 3 vs 3 का भी हो सकता है, और इस बैटल में पिकाचू धमाल मचाने वाला है। और इसके अलावा ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, ऐसा न्यूज निकल कर आ रही है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये लीक जो आ रहे हैं, न्यूज जो आ रहे हैं, फेक भी हो सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि आप लोग के लिए बना दूं और आपको अवेयर कर दूं कि पोकेमोन स्कारलेट एंड वॉलेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि यार पोकेमोन वालों ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि एस की जो जर्नी है वो कुछ एपिसोड के बाद एंड हो जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि पोकेमोन वाले अपना डिसीजन बदल दिए हो, अगर ऐसा होता है तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पोकेमोन वाले कुछ ऐसा करने वाले हैं या ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। लेकिन पोकेमोन वालों ने पहले ही ये कंफर्म कर दिया है कि 11th एपिसोड के बाद एस की जो जर्नी है वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद एस कोई भी सीरीज में पार्ट नहीं होगा। मतलब यार मुझे जहां तक लग रहा है न्यूज फेक है, लेकिन इसके चांसेस हो सकते हैं कि सच होने के। और मुझे जहां तक लगता है इसके चांसेस ना के बराबर हैं, और अगर होता भी है तो इसका 20% चांसेस है, और 80% जो चांसेस है वो नहीं होने के चांसेस हैं। तो यार विश्वास ज्यादा मत करो। वेल आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो इस टाइप की न्यू इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।